देख लो इंडियंस का हाल। ये लोग पेशाब कर रहे हैं, इधर लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, सब बैठे अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये पेशाब कर रहे हैं। ये देख लो इंडियंस का हाल, पब्लिक के बीच में खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, कुछ शर्म नहीं आ रही। ये बैठ के इधर दारू पी रहे हैं, इनका ग्रुप है पूरा, इसलिए मैं इंडियंस का नाम खराब कर रखा है इन्होंने बाहर। मतलब यहाँ पब्लिक बैठी है, खाना खा रहे हैं लोग और ये वहाँ पेशाब कर रहे हैं और एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि समुंदर पर थीसिस लिख रहे हैं। ग्रुप है पूरा 7-8 लोगों का। देखो ये लोग चले गए, ये जा रहे हैं और ये अपना कूड़ा यहाँ छोड़ गए हैं। ये देखो ये इनकी हरकत है इंडियंस की। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ये सब खाना खा के अपना सारा कचरा साथ लेके जाते हैं और यहाँ पर डस्टबिन है, वो सामने डस्टबिन लगे हुए हैं, ये डस्टबिन है। ये हरकत है इंडियंस की। यहाँ बैठे इन्होंने खाना खाया, वेस्टेज छोड़ी, यहाँ इन्होंने सामने पेशाब किया और ये अभी 4 लोग खड़े हैं, इन्हीं के ग्रुप के हैं। तो दोस्तों मैं अभी आया था जिम से और बीच पर लाइव हो रहा था तो बारिश की बूंदाबांदी हो रही थी। मनीष नथिंग चैनल पर लाइव हुआ था तो ज़्यादा देर लाइव नहीं हो पाया और अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है घर पर। मैं पहुंच गया और अभी शुरू हुई है जस्ट बारिश, आपको दिख भी रहा होगा पीछे, दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो चेयर पीछे कर लूँ, गीली हो जाएगी। बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा। तो मैंने पीछे कर ली है टेबल वगैरह गीली ना हो। गोवा का मॉनसून मिस कर रहा था। खैर मैं मिस तो नहीं करता पर मुझे बारिश बहुत पसंद है। देखो बीच पर कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे बारिश बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त बारिश। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगेन आज मैं बहुत लेट उठा पर सोया भी लेट था तो अभी बैठ के ये गरम नींबू पानी पी रहा हूँ मैं। और किसी ना किसी टॉपिक पर बात करेंगे। एक कि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है क्योंकि लेट उठा हूँ तो भूख बहुत लगी है। उठ थोड़ा जल्दी गया था पर बिस्तर पर पड़ा हुआ था तो ये ब्रेड पर पीनट बटर लगा के खाऊंगा और साथ में ये गर्म पानी पहले थोड़ा पी लूँ। कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी और मैं जस्ट जिम से पहुँचा ही था घर। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो पूरी तरह भीग जाता। तो जिम से निकला था, मनीष नथिंग पर थोड़ा लाइव हुआ था बीच पे बैठ के और फिर मैं कुछ खाना पैक करवाते हुए रूम में आया। आते ही देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो गई, अभी भी पूरे बारिश वाले बादल। अभी देख रहे हो पीछे समंदर आपको धुंधला दिख रहा है,
इस तरफ बारिश हो रही है बहुत तेज, इस समय समंदर में बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा ये धुंधला दिख रहा है, सारा बारिश हो रही है। पीनट बटर है ये, और बड़ा अच्छा बटर है, मतलब इसमें ना पीनट्स के छोटे छोटे पीस है तो क्रंची सा फील आता है, मतलब इसमें पीनट के हैं। एक तो होता बिल्कुल ही पेस्ट बना देते हैं बटर की तरह। तो आज क्या बात करने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं, बस बेकार की बकवास कर सकता हूँ, इसमें से कुछ निकाल सको तो निकाल लेना, नहीं तो बकवास समझ के छोड़ देना वीडियो, कि आज मेरे पास कुछ ऐसा कुछ खास टॉपिक है नहीं। भूख लग रही है बहुत जोर से। तो ये जो पीनट पे दिख रही है जो दाने हैं ना, ये मूंगफली के दाने हैं, ये बहुत अच्छे मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये पीनट बटर जो है 7-Eleven में नहीं मिलता है, मुझे वो टॉप्स डेली करके एक और चेन है यहाँ पे, उसके स्टोर कम होते हैं, वहीं मिलता है, 7-Eleven में नहीं है पीनट बटर। अच्छा, जो चीज़ एक 7-Eleven में नहीं होगी ना, वो किसी 7-Eleven में नहीं होगी, जो एक जगह खत्म होगी ज्यादातर सब जगह खत्म हो जाती है। तो क्या करे बॉस, कुछ ऐसा खास आज है नहीं बात करने को, कुछ निकल आया तो कर लेंगे बात, नहीं तो कोई बात नहीं। एक ही खाऊं या दो खाऊं, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहती है, एक खाऊं दो खाऊं। कई बार लोग बोलते कहते हैं सर जी थोड़ा मुंह वो तो धो लिया करो वीडियो बनाने से पहले। मैंने कहा बॉस उसी माइक्रो सेकंड में ना फ्लो चले जाता है, आपको रियल कंटेंट देखने को मिल रहा है, अब आप मुझे जबरदस्ती नकली बनाना चाहते हो कि पहले मैं उठूं मुंह धोऊं बाल बनाऊं बैकग्राउंड तैयार करूं कंटेंट तैयार करूं। सुबह की जो पहली पहली लार होती है ना मुंह की, जैसे आप सुबह उठते हो तो जो पहली लार होती है, पहला थूक कह लो आप, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसीलिए हर जगह कहा गया है कि सुबह उठ के सबसे पहले पानी पियो, गुनगुना पानी पियो या सादा पानी पियो, पर पानी पियो ताकि वो लार आपके अंदर जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं अरे सुबह उठो मुंह से बदबू आती है, हम तो सबसे पहले ब्रश करते हैं, जबकि बहुत ये गलत आदत है। मेरी मम्मी कहती थी मुझे तो सुबह उठ के बिल्कुल ही बड़ा गंदा लगता है, मैं तो सबसे पहले ब्रश करती हूँ, हमें भी वही सिखाया। अब जाके मालूम पड़ता है कि नहीं भाई साहब, सुबह की तो जो सबसे पहला थूक है, जो सबसे पहले लार है, वो तो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए फायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपके लिए वो एंटी रेजिस्टेंस का काम करती है, क्या बोलते हैं उसको, रोग 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 प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम करती है। अभी देखूंगा फ्रिज में अगर और ब्रेड हुई तो एक ब्रेड और खाऊंगा और दूध गर्म करके पीऊंगा। इस ब्रेड की खासियत है इसे किनारे ना पहले से कटे हुए आते हैं, मैं काटता नहीं हूं पर मुझे पसंद नहीं है, पर मैं खा लेता हूं। बारिश शुरू हो गई दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, अगर हवा ऐसी हुई तो मेरी तरफ पानी नहीं आएगा, बारिश शुरू हो गई बहुत तेज। कई लोग पूछेंगे रस्सी क्या लटक रही है, वाइट वॉश का काम काम चल रहा है, पेंट चल रहा है बिल्डिंग में बाहर की तरफ से, तो ये रस्सी उसके लिए लटकी हुई है।
अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ वीडियो से थोड़े बहुत व्यूज बढ़ने शुरू हो गए हैं, इस वजह से हो क्या रहा है, हेटर्स भी बढ़ गए हैं, ईर्ष्या जेलसी, और मैं तो मुंहफट हूं ही, मैं तो बिना फिल्टर के बात करता हूं, मेरे से किसी ना किसी के लिए कुछ भी निकल जाता है, फिर उसको प्रॉब्लम होती है या उसके चमचों को प्रॉब्लम होने लग जाती है। कई लोग कहते हैं आप पत्तिया में क्यों रहते हो रेड लाइट एरिया के बीच, क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी जगह पे पूरा एरिया ही रेड लाइट हो? मैं गोवा में भी जहाँ रहता हूँ पिछले 4 साल से, वो टूरिस्ट प्लेस, मेन पीक टूरिस्ट प्लेस के बीच में रहता हूँ, मैं यहाँ भी रहता हूँ तो यहाँ पे भी ये मेन टूरिस्ट प्लेस है। उसकी वजह क्या होती है कि सुविधाएं होती हैं आपके पास, जैसे 7-Eleven है, आपको कुछ खाना है, अच्छा व्यू है, आप भीड़ में रह के भी तन्हा रह सकते हो और आप तन्हा रह के भी शोर में रह सकते हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, बाहर जितनी मर्जी भीड़ हो, मेला लगा हो, मुझे क्या लेना देना, अभी और तेज होगी बारिश, आ रहे हैं बादल उधर से। ये तो वो पहली वाली बूंदे हैं जो ज्यादा शोर मचाती हैं। सामने मेरे को वो होटल दिख रहा है जिसमें मैं 2 महीने से ज्यादा रहा हूं, थाई फूड में मैदे का बहुत कम इस्तेमाल होता है, होता ही नहीं है, यहाँ बहुत कम होता होगा। अभी मैंने परसों खाए थे 100 भात के स्वीट मैंगो विद स्टिकी राइस और कोकोनट मिल्क, बहुत ही टेस्टी है। बस ये कि मैं वो बहुत कम खाता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है उसमें। ये 2 होटल बंद पड़े हैं कोविड के टाइम से, ये वाले, एक ये और ये दोनों बंद है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि इस गली से मैं रोज जिम जाता हूँ और कभी लाइट वाइट जलती नहीं, पर वो मैं जिम जाता हूँ तो आगे तो बकायदा उन्होंने रस्सी बांध के क्लोज लिखा हुआ है, फोर सेल लिखा हुआ है। आपको बताओ, कोविड ने कोरोना के बाद बहुत प्रोस्टिट्यूशन में बहुत सारी बढ़ोतरी हुई, मतलब जो लोगों का जो सेटल्ड लाइफ चल रही थी वो डिस्टर्ब हुई क्योंकि बड़ा लंबा दौर चला। और थाईलैंड में मेरी लोगों से बात होती है तो यहाँ पे रूल ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट थे इंडिया के कंपैरिजन में, क्वारंटीन का जो सिस्टम था
मतलब एक से मेरी बात हुई, वो कह रहे कि मैं विदेश बाहर से आया किसी बाहर की कंट्री से, तो पहले तो 14 दिन बैंकॉक में क्वारंटीन रहा, फिर बैंकॉक से मैं जब अपने शहर गया तो वहां पर मुझे 16 दिन और क्वारंटीन रहना पड़ा। और तो बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी निकल गई, सोना बिक गया, बहुत सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में आई इस वजह से, जो शायद टल सकती थी इस प्रोफेशन में आने से। ये यूरोपियंस आते हैं, कोई ये सारे कोई करोड़पति थोड़ी हैं। इनकी इनके पास फर्क क्या है कि इनको चीप टूरिज्म चाहिए, तो इनकी करेंसी जो है, जो पाउंड है या जो भी इनकी करेंसी होती है, यूरो पाउंड, वो यहां पर बहुत बड़ी हो जाती है। ये जब 1000 बात खर्च करते हैं और मैं जब 1000 बात खर्च करता हूं, तो इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये पाउंड को कन्वर्ट करके खर्च करते हैं जो कि भात से बहुत बड़ा है, मैं रुपीस को कन्वर्ट करके थाई बात खर्च करता हूं जो कि 2.5 गुना कम है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि इनका 1000 बात खर्च करना, मेरे मैं अगर 1000 बात खर्च कर रहा हूं, तो मेरे वो 10,000 थाई बात के खर्च करने के बराबर है। इंडिया को मैं यहाँ टक्कर दे रहा हूँ यूरोपियंस को, कि भाई तुम जो कर रहे हो या तुम जो जिंदगी जीते हो, वो जिंदगी इंडियंस भी जी सकते हैं। ये मुझसे पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वो हैरान होते हैं कि यार, मिलते हैं जिम में, मिलते हैं। अभी मैं एक नाइट क्लब के ऑनर से मिला, वो नाइट क्लब का ऑनर जो है, उसको मेरे बारे में मालूम पड़ा कहीं से, तो उसने मुझसे मिलना चाहा। मैं चले गया क्योंकि मुझे भी नए लोगों से मिलने का शौक है। दूसरा, वो है तो इंडियन, भारतीय मूल का है, पर वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ है। वो कौन सी जगह बता रहा था, वो जगह ही भूल गया मैं, नॉर्वे, ये बता दूंगा मैं, मतलब नॉर्वे या उसके आसपास की किसी कंट्री में वो पैदा हुआ है, वहीं पला बड़ा है। यहाँ पे उसका उसके 2 नाइट क्लब है। तो मैं उससे मिला, उसके बाद एक बार और मिला मैं उससे। मैं तो मुझे लगा कि यार 2 नाइट क्लब का ऑनर है, तो कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा, पर बिहेवियर अच्छा था उसका, नेचर अच्छा था, बड़ा फ्रेंडली होके मुझसे उन्होंने बात की, हिंदी भी आती थी, टूटी फूटी हिंदी में ही मुझसे बात की, अपनी वाइफ से भी बात करवाई, वाइफ एलार्क, एलारे, पता नहीं ऐसी कोई जगह है, मतलब वहां पे थी, तो वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, फिर मेरे से बात करवाई। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा दुनिया आपकी चमक दमक देख रही है, बड़ा कूल आपको लग रहा है लोगों को, पर आपकी तो लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल वाली है। कह रहा कैसे, मैं कहा आप आते ही आपने पहले सिगरेट पी है बाहर, फिर बाहर से मुझे हाय किया, फिर आप अंदर आए, फिर आपको अपने हर बड़े कस्टमर के साथ में वो ड्रिंक पीना पड़ता है, वो ऑफर करता है आपको, और आपको कितनी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ रही है कि आपने किन किन ड्रंक किन किन अपने बड़े कस्टमर्स को या जिन कस्टमर्स को आप चाहते हो इम्प्रेस करना, आपने कैसे वो अपनी तरफ से, वो एक छोटा सा होता है गिलास, उसमें कुछ मिल्क टाइप का एल्कोहल वाला कुछ होता है, वो उसको शॉट फ्री में आप भेजते हो। मैं कहा कि तो मतलब आप सुबह 4 बजे तक आपका क्लब चलेगा, 4 बजे के बाद आप घर जाओगे, क्योंकि पहले दिन जब मैं गया था तो मैं 4 बजे तक था वहाँ, तो 4 बजे आपका क्लब बंद होगा, उसके बाद आप घर जाओगे, फिर दिन भर आप सोओगे, उठोगे, नहाओगे, धोओगे, फिर शाम को इसी लाइफ के लिए आ जाओगे। मैंने कहा कोई जिंदगी थोड़ी है ये, तो देखो आप जिम आप गए नहीं, जा ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है, जो लाइफस्टाइल है आपका एल्कोहल एल्कोहल और एल्कोहल। बहुत सारी लड़कियां जो बार में काम करती थी, अब वो फ्रीलांसर होकर के प्रोस्टिट्यूशन में है, वो कहती हैं कि बार में हमें बियर या शराब पीनी पड़ती है, मना नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ये पियेंगे उतना ही कस्टमर पिएगा, और ये जितनी पियेंगे वो लेडी ड्रिंक महंगा होता है, तो बार की भी कमाई होती है, इनकी भी कमाई होती है, तो मतलब कि भी बार में हमें सिर्फ शराब पीनी पड़ती है कस्टमर को बिठाए रखने के लिए, डेली कितना एल्कोहल डालना पड़ता है।
नाना प्लाजा 2 बजे बंद होता है, जो नाना प्लाजा जो बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा सेक्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसको, ऐसे कुछ नाम लिखा हुआ है उन्होंने। मैं एक बार गया था उसमें, शुरू में जब आया था पहली बार तो मैं देख चुका हूँ उसको, उसके बाद मैं रहता उसके आसपास ऊपर, मैं कभी उसके बाद अंदर ही नहीं गया। मुझे बड़ी सफोकेशन सा फील होता है, घुटन सा फील होता है, मतलब क्या देखोगे आप? एक लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं या वो छोटे कपड़े पहन के डांस कर रही है, कैबरे जिसको कभी इंडिया में कैबरे होता था बंदूक, अब क्या करोगे आप? मतलब ये मतलब आप देखोगे आपके सामने एक लड़की डांस कर रही है, वो कपड़े उतार रही है, इसमें एक बार एक्साइटमेंट हो सकती है, आप उसमें क्या देखोगे? आपको मालूम है सब कुछ नकली है, अगर वो आएगी वो स्माइल करेगी वो आपको टच करेगी, सब कुछ आर्टिफिशियल है, पैसा खत्म सब खत्म, तो आप नकली के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो? तो मैं पहली बार तो गया था, जब मैं पहली बार आया था फेब्रवरी में लास्ट ईयर 2023 फरवरी में आया था, तो मैंने नाना प्लाजा देखा, 3 फ्लोर का कॉम्प्लेक्स है, उसमें वही बियर लेडी ड्रिंक है, आपका आपकी बियर 200 भात की है तो उसकी 400 भात की होगी, 500 भात की होगी, कैबरे चल रहा है, मतलब जिन्हें अपने शरीर से प्यार नहीं है, जिनके पास कोई जीवन में कुछ बड़े कंसेप्ट नहीं है, बड़े बड़े पॉइंट्स ही नहीं है जिन पर वो सोच सके बात कर सके। जैसे मुझे अभी एक थोड़े दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि भी मैं अब आपकी बात से काफी सहमत हो गया एक तरीके से, कि लाइफ जी रहा हूँ और अब मैं अकेला रहता हूँ तो मेरी अब सेक्सुअल डिजायर भी कम हो गई है। देखो सेक्सुअल डिजायर आती कब है? ऐसा थोड़ी कि आप काम कर रहे हो और आपको अचानक सेक्स करने का मन कर जाएगा। जब आप बड़े मुद्दों पर बिजी होते हो, जीवन की बहुत वैल्यू करते हो, तो आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर मेंटली लेवल पे नहीं उत्पन्न होती। कभी बहुत टाइम बाद जाके आपका शरीर की डिमांड हो तो बात अलग है, वरना नहीं। लोगों को लगता है अरे यार ये आदमी थाईलैंड में रह रहा है, पटाया में रह रहा है, तो ये रोज अय्याशी कर रहा होगा। अब प्रॉब्लम उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं, उनकी सोच ही वहीं तक है, वो उन्होंने कभी वो जिंदगी इमेजिन ही नहीं करी कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। पर वो बेवकूफ ये भूल जाते हैं कि वो किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, ये उस आदमी के लिए बात कर रहे हैं जिसने 10 साल सिगरेट पी, चेन स्मोकर था और एक झटके में सिगरेट छोड़ दी। ये उस आदमी के लिए बात कर रहे हैं जिसने कश्मीर से साइकिल उठाई थी बिना पैसों के कि मैं कन्याकुमारी तक पहुंचूंगा, और वो बिना पैसों के 51 दिन में 4384 किलोमीटर साइकिल चला करके कश्मीर कन्याकुमारी पहुंच गया। उस आदमी के लिए बात कर रहे हैं कि ये कैसे कंट्रोल करता होगा। काठमांडू से मैं दिल्ली के लिए जब साइकिल से चला, तो वो मैं पहली बार साइकिल मैंने पकड़ी थी, उससे पहले तो मैंने साइकिल कभी 100-200 मीटर से ज्यादा चलाई नहीं होगी अपनी लाइफ में, और मैं पहुंचा दिल्ली सही सलामत। उस आदमी को लेकर के ये बात करते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बात बोली थी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कि जिस आदमी जो आदमी जैसा सोचता है उसको लगता है सारी दुनिया वैसी ही है या उससे ऊपर है, उससे नीचे तो नहीं हो सकती। सेम चीज मेरे ऊपर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट जिस तरह की बातें मैं कर रहा हूं, इतनी बातें तो लोगों को आनी चाहिए, इसीलिए जब मुझे मेरी तरह लोग नहीं मिलते तो परेशानी होती है। तो वो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अभी जैसे किसी ने लाइव में लेडी बॉय का रेट पूछा, कोई बोल रहा है कि ये किया, कोई बोलता है वो किया, उनकी सोच ही वही है, उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते। इनके जीवन की उपलब्धि क्या होगी? ये पैसा कमाएंगे, सेक्स के बारे में सोचेंगे, कार खरीदेंगे, बंगला खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, ब्रांडेड मोबाइल खरीदेंगे, महंगे मोबाइल खरीदेंगे, और सेक्स के बारे में सोचना, और कुछ लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, पर जिंदगी भर सोचते रहेंगे, रहेंगे अपनी बीवी के साथ वफादार बन के, पर सोचते हमेशा रहेंगे, तो चीटिंग तो बॉस ये भी है। तो इनकी इनके जीवन के यही मकसद है, इससे ऊपर के इनके फलसफे ही नहीं है। अब इसको दूसरे दूसरे तरीके से देखो, मैं इंडिया में रहता हूँ, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से रहता हूँ, पर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं उसमें डाल रहा हूँ, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए, मैं अपने बच्चों को बच्चे नहीं कह रहा हूँ, बेटी कह रहा हूँ, 2 बेटियों का बाप हूँ, मुझे उनका दहेज इकट्ठा करना है, उनकी हायर एजुकेशन। आपको क्या लगता है यूट्यूब पर इतनी सिंपैथी आती, मुझे इतनी सिंपैथी आती? फिर मैं एक वीडियो डालता, दोस्तों मैंने एक थाईलैंड में एक होटल में अप्लाई किया है, शायद मेरी नौकरी लग जाए, और वहां से मुझे आता कि हाँ जी हमने आपको अपने यहाँ पे एम्प्लॉय रख लिया है, 2 साल का आपको वर्क परमिट भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है यूट्यूब पे मुझे खूब मुबारकबाद आती? एक ऐसे आदमी को मुबारकबाद आती, देखो बेचारा बेचारा अपने परिवार को छोड़ के थाईलैंड के पटाया में एक होटल में नौकरी करने जा रहा है। फिर मैं आता यहाँ पे होटल में रहता, वेटर गिरी या मैनेजर गिरी जो भी करना होता वो करता, और लोगों की खूब सिंपैथी मिलती।
सेम चीज लाखों लोग दुबई में करते हैं, कहीं कर रहे हैं। तब भी मैं पटाया में रहता, इसी रेड लाइट एरिया के, जिसको रेड लाइट एरिया कहते हैं, मैं इसको टूरिस्ट प्लेस कहता हूँ, इसी के बीच में रहता, तब सिंपति मिलती, तब मैं अच्छा आदमी होता। आज मैं अपनी मर्जी से बिना नौकरी किए, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक घर लेकर के रह रहा हूँ। तो ये क्यों रह रहा है? क्योंकि ये तो नियम का भाई, वो तो गधा मजदूरी हो गई, वो तो समाज के हिसाब से नियम हो गया ना, कि भाई परिवार पालने के लिए कुछ भी करना पड़े कर लो। तो देखो जी, बंदा बिल्कुल सही है, क्योंकि गधे वही कर रहे हैं। एक आदमी जो स्मार्ट प्ले करता है, जो दिमाग से काम करता है, जिसके लिए लोग पैसा कमाते हैं, जो खुद पैसा कमाता नहीं है, बनाता है पैसा, वो आदमी सेम जगह पर जाके अपना मजे से अपना जिम जाता है, स्विमिंग जाता है, अपना घर में रहता है, अपना खाना बनाता है, या जो भी करता है, बकवासबाजी करता है, कुछ भी करता है, तो ये गलत हो गया। मतलब यहाँ पर हजारों लोग, हजारों इंडियंस यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, मैनेजर है, वेटर है, बहुत सारी नौकरियां कर रहे हैं, अपने होटल्स हैं उनके, तो ठीक है। पर जितने टूरिस्ट, अगर कोई आकर के रह रहा है, टूरिस्ट तो चलो आते ही इसीलिए ना, 4 दिन के लिए। तो मैं देख रहा हूं कि इंसान का सोचने का, देखने का दृष्टिकोण कैसा होता है। जैसा वो सोचता है वो वैसा ही देखता है, और उसको वैसा ही दिखता है। इसलिए सोच बदलने की जरूरत है। मुझे लगता था दुनिया बहुत खराब है, पर कश्मीर टू कन्याकुमारी के दौरान मैंने ये पाया कि नहीं, मैं गलत सोचता था। दुनिया अभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग बाकी हैं दुनिया में। ठीक है, वो फंसे हुए हैं, वो कुछ मुद्दों पर क्रांति नहीं कर पा रहे, पर ना करते हुए भी कुछ मुद्दों पर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, सेंसिटिव हैं, आसपास के बारे में सोचते हैं, जानवरों के बारे में सोचते हैं, कोई पेड़ पौधों के बारे में सोचता है, कोई इंसान के बारे में सोचता है। तो मुझे उससे पहले लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, तो मैंने चेंज किया अपना नजरिया। आज इंडिया में मुझे बहुत खामियां दिखती हैं, मैं उन पर बात करता हूं। अभी इसी वीडियो के लास्ट में और शुरू में भी, मैं शुरू में ही लगाऊंगा, मैं वो क्लिप लगाऊंगा कि यहां पर मैं क्यों इंडियंस की बुराई करता हूँ, क्या करते हैं वो, हरकतें देखना आप। लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग बैठे हैं वहां पे बीच पे, वो वहां पर बैठ के दारू पी रहे हैं, चलो दारू तो और भी पी रहे हैं, वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, उसके बाद में उनमें से किसी एक को पेशाब आता है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को आता है, वो जाके बीच पे खड़े होकर पेशाब करते हैं। मतलब जहां बैठ के खाना खा रहे हैं उसी से 10 कदम आगे जाते हैं, जहां पे सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, वो वहां जाके पेशाब कर रहे हैं, खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं वहां पे, बच्चे उसी अभी थोड़ी देर पहले उस बीच में खेल रहे थे, दोबारा भी आगे खेल रहे हैं, जबकि सामने टॉयलेट है, 10 बात लेते हैं, पर 10 बात की औकात नहीं है। खाना खाने के बाद अपना एंजॉय करने का, जब वो उठ करके गए तो अपना पूरा का पूरा कचरा ऐसे ही छोड़ गए, बियर की बॉटल्स, जबकि सब लोग वहां पर पैक करते हैं, अपना प्लास्टिक में ले जाकर के डस्टबिन में डालते हैं, 10 कदम पर डस्टबिन है और बहुत सारे डस्टबिन है। अब साफ दिख जाते हैं, शक्ल से ही दिख जाते हैं इंडियंस तो। अरे शक्ल अच्छी नहीं है आप लोगों की, कम से कम हरकतें तो अच्छी करो। शक्ल तो अफ्रीकन्स की भी, अगर आप देखो कलर के हिसाब से आप देखो तो अफ्रीकन्स तो हमसे भी ज्यादा ब्लैक है, पर कम से कम फिट तो रहते हैं। आपको अफ्रीकन्स जो है वो बहुत कम अनफिट दिखेंगे कंपेयर टू इंडियंस। इंडियंस के तोन निकली पड़ी है, बटन खुल रहे हैं पेट के, जो कचरा आ रहा है डाल रहे हैं, बार्गेनिंग करना। रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई शरीर की। मैं सोचता हूं यार, यूरोप में कितनी 45-46 कंट्रीज हैं, इतनी सारी कंट्रीज के लोग यहां पर आते हैं, थाईलैंड में आते हैं, थाईलैंड का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है, इनको थाई फूड नहीं दिखेगा, इनको थाई वेदर नहीं दिखेगा, इनको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी थाईलैंड में। अगर 3 शहर के 3-3 किलोमीटर के एरिया को हटा दो, बैंकॉक का तो सिर्फ 1 ही किलोमीटर का एरिया होगा, 1 किलोमीटर का स्क्वायर, नाना स्क्वायर जो है, तो बाकी पूरे थाईलैंड तो बिल्कुल ही अलग है। चलो बेकार की बात थी, मेरे को नहीं लगता कि ये वीडियो आपको किसी काम का होगा, तो मैं ऐसे बैठा था, कुछ भी बोलने का मन कर रहा था, मैंने कर ली बात आपसे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।